गाइस, गुरुजी अंदर पूजा करने चले गए थे, उन्होंने हमको रेलिंग के बीच में बिठाया था, जहाँ से हमको प्रॉपर शिवलिंग भी दिख रही थी महाकाल बाबा की, और मैं टीवी में भी प्रॉपर देख पा रही थी और सामने से भी मुझे क्लियर दिख रहा था। उन्होंने बोला था कि नंदी हॉल से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत नीचे की साइड है, तो आप प्रॉपर नहीं देख पाओगे। यहाँ बीच में उन्होंने हमको बिठा के प्रॉपर करवाया, बोले यहाँ से अच्छे से दिखता है, तो हम लोग प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ से देख पा रहे थे। और मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम भस्म आरती अटेंड कर रही हूँ, आज मैं पहली बार देखने वाली हूँ भस्म आरती, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट था देखने के लिए, बहुत ज़्यादा मेरी दिली इच्छा थी, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के बाद से महाकाल भी नहीं गई हूँ और भगवान ने मुझे बुलाया है, तो इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी यहाँ पे अभिषेक हो चुका है, रक्त श्रृंगार की स्टार्टिंग हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाकाल बाबा के पास मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और उन्होंने मुझे मेरा दिल खुश कर दिया। भगवान महाकाल बाबा ऐसे ही आशीर्वाद अपना मेरे ऊपर बनाए रखे, बस मैं यही दुआ करती हूँ उनसे। और अभी श्रृंगार स्टार्ट हो रहा है, आज मैं खुद सारी चीज़ें लाइव फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने आरती भी फर्स्ट टाइम देखी है भस्म आरती, और श्रृंगार भी लाइव में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अभी मैं आपको व्लॉग में कंटिन्यू बताती जाऊँगी, यहाँ जो वाइफ थी ना गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती, आप सब कुछ भूल जाते हो, इतनी पॉजिटिव वाइफ्स थी, इतनी पॉजिटिव मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी चिल्ला रहे सारी औरतें अपना पल्ला डाल। घूंघट डाल लिया हमने हमारे साथ में, महिलाएं नहीं देखती, मैंने बोला है महिलाएं घूंघट ढाक के देखे, महिलाएं ऐसे नहीं देखती है, आड़ करके बैठना। अरे हमको बोला है, हमको बोला है जेंट्स देख सकते हैं, आप देख सकते हो, हमको बोला कि महिलाएं घूंघट डाल ले, घूंघट में देखेंगे। अच्छा, तो गाइज महाकाल बाबा को भस्म चढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो गाइज, इतनी पॉजिटिव वाइब्स मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं की, मेरे इतने ज़्यादा घूसबंप आ रहे थे, मेरी आंखों में से अपने आप आंसू निकले जा रहे हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं शायद आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी जो वहाँ थे, वही एक्सप्लेन कर सकते, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं स्वयं कहाँ पे आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था भस्म आरती का, और वो मैं शायद ही अपनी लाइफ में कभी भूल पाऊँगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे बहुत जल्दी वापस से ये मौका मिले, जो आज मुझे मौका मिला है, महाकाल बाबा से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखे और आप सभी पे भी बनाए रखे। और आई होप कि आपके व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, शायद जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों को महसूस हो, आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लो, और जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना कमेंट में। महाकाल बाबा का श्रृंगार तो हो गया था, भस्मास में भी चढ़ गई थी, अब उनको प्रॉपर उनका मुकुट वगैरह सारी चीज़ें पहनाई जा रही है, इसके बाद आरती स्टार्ट होगी गाइस, और आरती आप जरूर देखना होगा। सो गाइस, रोज़ सुबह मेरे स्टेटस पे सुबह की भस्म आरती का फ़ोटो लगाती हूँ, जो उनका ये इस रूप का मैं रोज़ सुबह वेट करती हूँ, और आज मैंने ये रूप लाइव देखा, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, नहीं तो रोज़ मैं स्टेटस पे सिर्फ लगाती थी, आज ये रूप मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरे सोचने भी आ रहा था कि इस फोटो का मैं रोज़ वेट करती हूँ, रोज़ सुबह की भस्म आरती का जो मैं स्टेटस पे लगाती हूँ, और आज ये मैं लाइव देख पा रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ।
सो गाइस, आरती होने के बाद आप देख सकते हो महाकाल बाबा का पूरा श्रृंगार उतार दिया जाता है, क्योंकि दिन भर शिव उन पर जल चढ़ता है। अब फिर शाम के आरती के टाइम फिर श्रृंगार होगा उनका। शिव आरती आरती के टाइम ही महाकाल बाबा का श्रृंगार होता है, उसके बाद आप ये देख सकते हो शिव जल चढ़ता है, पूरे टाइम उनके ऊपर जल होते रहता है, जल चढ़ाते हैं। हाँ वो चलो ना, श्री महाकाल। इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं क्या लाओ मेरा फोन फोन लगाओ ना, वो गुरुजी का जो भस्म आरती के की भस्म दे रहे थे अपन को। सो गाइज, गोपाल साक्षी मंदिर है, हमने यहाँ पे दर्शन किए। गुरुजी ने बोला था यहाँ पे किसी के हाथ वो जो जल चढ़ा था महाकाल बाबा को, वो जल और भस्म भेजने वाले, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं यहाँ खड़े होके कि हमको महाकाल बाबा पे जो जल चढ़ा था वो मिल जाए, और उनके ऊपर जो भस्म चढ़ी थी हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनाजी करके कोई आ रहे हैं जो कि हमारे लिए सारी चीज़ें लेके आएंगे। जो बनाजी, उन्होंने सारे सेलिब्रिटियों को पूरा विजिट कराया है, पूजा करवाई है, जो हमको भस्म देने आ रहे हैं। उन्होंने अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, अभी जितने भी एक्टर्स हैं, ये रे बनाजी जो हमको जल और ये देने आए हैं, इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटियों को सब कुछ कराया, अभी टीवी सीरियल्स भी आते हैं उनमें भी। तो गाइस, बनाजी मुझसे पूछ रहे थे आप ये क्या बना रहे, तो मैंने बताया कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। उन्होंने बोला चलो मैम, तो आज से हम भी आपके फ़ैन हैं, चलो आपको मैं और पास से, तो हम वापस सेकंड बार और पास से नंदी हॉल से भगवान जी के दर्शन करने गए महाकाल बाबा के। और योगेश ने मुझे बोला ही था अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी ना, तो आप और करीब से आप कर पाओगे। और बनाजी ने हमको और करीब से इतनी पास से महाकाल बाबा के दर्शन करे, हमने सेकेंड बार वापस गए, वो हमको शॉर्ट फॉर्म रास्ते से लेके गए और अंदर से दर्शन कराया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग पहले रैलिंग के उस पार थे, अब हम और पास आके कर पा रहे दर्शन। तो बनाजी का थैंक यू सो मच, उन्होंने बोला है कि वो मुझे इसी गर्भगृह में जाने देंगे, तो वो मुझे बुला के पूजा करवाएंगे। आपके लिए बाल करवा लिए उन्होंने, 5000 का खर्चा करवा दिया मेरा। ओह माय गॉड, सुनो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक दिखा रहा हूं। हाय, ये आपसे वहां आपने कोई स्विमिंग पूल था, आपने वहां पे मिले थे आपसे। अच्छा ओके, हाय हाउ आर यू। ये भैया मैंने कहा आपसे मिलवा दूं, इसलिए रोक के रखा इनको। ये महाकाल मंदिर में आए अभी। हाँ वो कल इवेंट था ना, उसके लिए आई थी मैं। थैंक यू सो मच मैडम के कारण अपन फेमस हो जाएंगे। याद है, सही बोला आपने, ठीक है आइएगा ना। ओके बिल्कुल बिल्कुल। आज भैया आपने इतना अच्छा हमको दर्शन कराया, इसके लिए बहुत बहुत महाकाल की कृपा हमारे जी। बिल्कुल, आपने इतनी पास से हमारे दर्शन करा दिए, उसके लिए जो सेवा कर दी आपने जी बिल्कुल। म्यूजियम था ना, उनकी पगड़ियाँ रखी थी ना, वो पगड़ियाँ कहीं इस तरह अंतरण कर दी। अच्छा हाँ भाई, क्योंकि ये पहले हाँ जो उनको जो चढ़ाते महाकाल बाबा को, हाँ तो अब यहाँ से दूसरे स्थान पर। अच्छा ठीक है, लाके इधर बैठी है। हेलो दीदी, इसको बुरा लग गया, मैंने इसको यहाँ पीछे मेरे साथ में बैठा है, सबसे पीछे बैठे हैं, ये देखो अब इसको बैठे हैं सबसे पीछे ओपन में, और यहाँ से अब मैं महाकाल लोक के आपको दर्शन कराऊंगी। यस, ये हमारा कॉरिडोर हो गया स्टार्ट। जी ने बोला कि 10 मिनट में आपको कॉरिडोर भी घुमा देते मैम, तो चलो। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये देखिए सुबह सुबह 7 बजे हम लोग कॉरिडोर में घूम रहे हैं। वाली दुकान में कुछ मूर्ति नीचे आ गई थी ना, हाँ अभी पता चलेगा, अभी चेंज हो गया। और ये दीदी जो मेरे से मुंह फुला के इधर बैठी है, मैं इनका कुछ आपको नहीं। ये देखिए गाइस कॉरिडोर, ये देखिए रिजित कर पीछे लग के आ गई। अब नहीं आएंगे अपन, वो चीज कर। ट्रेन चली, हटो ना देखने तो तुम। तो गाइस, जो अभी तक बाबा महाकाल की नगरी नहीं आए, जरूर आए और ये कॉरिडोर जरूर विजिट करें आप लोग। बहुत ही सुंदर बीच प्यारी से कारीगरी की गई है, हर एक दीवार पे आप जरूर देखना, पूरी शिव पुराण की पूरी पूरे दीवार पे पूरी कथा बताई गई है, आप जरूर देखें। इस पे स्कैनर
भी लगा हुआ है जिस पे आप स्कैन करोगे तो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि इसका ये है, इसका ये है, ऐसे करके पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया आर्ट है यार, वो उधर से पलट के उधर से जाना है अपन को। बहुत शानदार यार, क्या बात है, क्या जोरदार, जबरदस्त है। दूर क्या आपके अंदर ले जाएंगे। जय श्री गजानन महाराज की जय हो। देखो जय हो सबसे बड़ा। हाँ हाँ, लेजर लाइटिंग भी है इसके अंदर और फवारे भी है। हाँ रात में बहुत सुंदर लगता है ये। पीर भद्रा और भगवान शंकर जी सप्तऋषि के साथ मूर्ति है। शिव स्तंभ भी है। चांदी दुकान में एक ऋषि और सेम बैठ गए थे। हाँ, ये सप्तऋषि है और बीच में ये सप्तऋषि बोले तो ये सब बॉम्बे से बन के आई वापस। वो भैया बता तो रहे हाँ। ये विश्राम के लिए बनाए वो बता रहे ना भैया। क्या दूसरी बन के आई है, एक गिरी थी तो रुद्र सागर तालाब। रुद्र सागर दोनों भाई कार्तिक और गणेश जी के रूप में। देखो आप ये जो रथ की बात कर रहे थे हम, ये रहा वो रहा उधर। देखो इधर दिखाओ गणेश जी को, गणपति बप्पा मर गजानंद महाराज की। इधर देख लीजिए आपके पास किस कौन से नाम का नुकुरस जिसका पद जिसके तीन सर थे ना, जिसके तीन सर थे वो शिव जी ने किया था। क्या नाम है उनका? अच्छा। रावण का छोटा भाई होगा लगता है, उनके नौ थे। ये बहुत कौन सा ये नवग्रह मंदिर। अरे वाह आप है ना, हॉर्स को काउंट करो कितने टोटल। जब गणेश जी करते थे छोटे से धनुष द्वार नाम है अंतिम द्वार। कार्तिकेय जी और गणेश जी जब छोटे थे पार्वती माता लेके खड़ी है। सुपर कॉरिडोर सुबह 6 बजे चालू होता है रात के 10 बजे तक। कमल कुंड बोलते हैं इसको, कमल कुंड मुख्य द्वार कॉरिडोर का, जहाँ से कॉरिडोर का स्टार्टिंग होता है। अच्छा मोदी जी ने इसका यहीं से उद्घाटन किया था। मोदी जी जब आए थे नहीं कार इधर नहीं अपने, ये मुख्य द्वार। दीवारों पे पूरे शिव पुराण का वर्णन वर्णन। अच्छा क्यू आर कोड से पूरी डिटेल आ जाती है, क्यू आर कोड लगे पूरी डिटेल आ जाएगी। शिव पुराण का पूरा वर्णन है इसके अंदर। महामृत्युंजय जाप की उत्पत्ति इसी से हुई है। काल भैरव की मूर्ति है, काल भैरव की मूर्ति, गायत्री माता की मूर्ति, ये चंद्रशेखर महादेव है, विष्णु जी चंद्रमा उगा रहे हैं शंकर जी के इस पर। ये भगवान जी की बारात जा रही है। कौन है? खंडोबा। खंडोबा राय साहिल पूछते हैं बाबा राम। अच्छा इधर तो देख ली देवी कैलाश पर्वत उठा लेता जब ये रावण की मूर्ति है। रावण विश्व मंथन तो सभी ने दे सुना है इसके बारे में। एक तरफ देव एक तरफ असुर। विश्व मंथन किया था ना शिव जी ने। ये तो फेंक के बाद में बजी जा रहा हूँ।
भगवान शंकर का मणिवध अवतार, चार अवतार, पांच अवतार है यहाँ पे, बहुत शानदार। हनुमान जी मिले आज, हनुमान जी हो गए, ये बने भी है बहुत बार हनुमान जी पहले। हाँ आपका इसने बना रहे, बिल्कुल बिल्कुल भाई में, बिल्कुल जब इच्छा जब भी आना, जब तक जिंदा है बिल्कुल मदद होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कभी भी इंदौर आना हो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर मनोकामना पूर्ण करें जी, बिल्कुल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ओके बना जी, अरे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, मैं नहीं बता सकती क्यों आशी है ना, आशी तो देखो कौन सा मैं बोल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए, बहुत कि हम बता ही नहीं सकते, मतलब एक बार नहीं बहुत दो बार। गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम भस्म आरती देखी और करी है, मेरे घूस बम्प आ गए, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी आंखों में से टप 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 आंसू गिर रहे हैं, मतलब वो जो फीलिंग, वो जो पॉजिटिव वाइब्स और वो जो चीज़ थी ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब कि क्या ही था भाई साहब, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे ये खुद को नहीं समझ आ रहा है। जब अंधेरा किया था नहीं, जैसे आरती चालू हुई मेरे तो जो घूस बम पाए और मेरे को रोना आने लग गया भयंकर वाला। हम लोग जा रहे हैं होटल में, बहुत अच्छा नहीं बची मैंने गाइस, रात में की जगह बिल्कुल नहीं सोए, अब सोएंगे हम, और हमारी लाइफ की पहली बार ऐसी ट्रिप थी जो हम रात भर साथ में रही है, आज तक की सबसे पहली ट्रिप थी कि हम दोनों लाइफ में फर्स्ट टाइम पूरी रात साथ में रही है, और इतना लंबा घूमने की बात कर रही ना मैं, घूमने की जो भूल गई कि अपन इसके पहले जा चुके हैं भैया, झूठ बोल के सच बता, कितना झूठ बोल यार, कटी सुपना था, ए चुप रहो, कुंभकर्ण मेघनाथ दादा ने बोल दिया मैं जा रही हूँ घर, बाय बाय, बहुत अच्छा लगा मिलके, नाइस टू मीट यू, मिलते वापस, अब आप आओ अहमदाबाद, बिल्कुल चले आशीष जी चेंज कर लिया इन्हें, देखिए चलो बाय बाय, हाँ चलो बाय, निकल रही हूँ बाय, अब तो बिल्कुल लेट है, बाय बेटा, गुड नाइट सोना। हाँ फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, अब ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, कल मिलते न्यू व्लॉग के साथ, आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एवरीवन, बाय गुड नाइट, अब तो सोने वाली हूँ मैं भयंकर।